वेलकम टू तृतीय क्लासेस फ्रेंड्स, मैं गोविंद तृतीया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ेंगे सस्बेनिया रोस्ट्राटा के बारे में। सस्बेनिया रोस्ट्राटा क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, सस्बेनिया एक्यूलेटा। सस्बेनिया एक्यूलेटा ये क्या होता है, डेंचा। क्या होता है ये, डेंचा। सस्बेनिया एक्यूलेटा को क्या कहते हैं अपने, डेंचा। लेकिन अपने पढ़ेंगे सस्बेनिया की एक स्पीसीज है जिसको कहते हैं अपने रोस्ट्राटा, सस्बेनिया रोस्ट्राटा। ये अपने डेंचा के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसमें पढ़ेंगे सस्बेनिया, ओनली स्पीसीज है डेंचा की जो सस्बेनिया रोस्ट्राटा अपने उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या खास बात है जो अपने इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अपने देखते हैं। सस्बेनिया रोस्ट्राटा क्या है, सस्बेनिया रोस्ट्राटा एक सेमी एक्वाटिक लेग्यूमिनस ट्री है। क्या है, सेमी एक्वाटिक लेग्यूमिनस ट्री है, ठीक है। इसमें क्या खास बात है जो अपने इसको अलग से पढ़ रहे हैं, देखो आपने पढ़ा होगा कि जो राइजोबियम होता है वो रूट पर नोड्यूल्स बनाता है ना, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है लेग्यूमिनस फैमिली की, उनकी रूट्स पर नोड्यूल्स बनाता है। क्या राइजोबियम, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या खास बातचीत है सस्बेनिया रोस्ट्राटा के अंदर, इसमें क्या होता है कि इस पर जो नोड्यूल्स बनते हैं ना वो दोनों पर बनते हैं, यानी कि रूट्स और स्टेम दोनों पर नोड्यूल्स बनते हैं इसमें सस्बेनिया रोस्ट्राटा के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि रूट्स और स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप, यानी कि ये एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, यानी कि हरी खाद बनाई जाती है इससे सस्बेनिया रोस्ट्राटा से। लेकिन इसकी जो खास बातचीत है, खास जो इसकी बात है वो है रूट और स्टेम दोनों पर ये नोड्यूल्स बनते हैं इसमें सस्बेनिया रोस्ट्राटा के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आया था JRF 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें स्टेम पर नोड्यूल्स बनते हैं, तो अगर ऐसा आ जाए कि स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप, फिर भी इसका आंसर होगा सस्बेनिया रोस्ट्राटा, या रूट्स और स्टेम नोड्यूलेटिंग बोथ रूट्स और स्टेम नोड्यूलेटिंग, फिर भी यही आएगा आपका आंसर सस्बेनिया रोस्ट्राटा, ठीक है। इसकी ये खास बात है मैन। फिर अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली, इसकी फैमिली क्या है, फाबेसी। क्या है, फाबेसी। फाबेसी कह लो चाहे लेग्यूमिनेसी कह लो, एक ही बात है। पहले लेग्यूमिनेसी कहते थे, बाद में इसका ये न्यू नाम आया फाबेसी। जैसे सीरियल्स में पहले ग्रेमिनी नाम था, पोएसी आया, वैसे ही पहले लेग्यूमिनेसी था, फाबेसी आया, ठीक है। सब फैमिली, मैं सब फैमिली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी जो क्रॉप होती है इनकी सब फैमिली पूछ लेते हैं एग्जाम में। फेबोइडी क्या है, फेबोइडी फैमिली है फाबेसी, सब फैमिली फेबोइडी, ठीक है, सस्बेनिया रोस्ट्राटा की। इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थल कहाँ है, वेस्ट अफ्रीका। ये जो सस्बेनिया रोस्ट्राटा जो स्पीसीज है सस्बेनिया की, ये कहाँ पाई जाती है, मेनली अफ्रीका के अंदर। मेनली कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका के अंदर। इसके अलावा इसमें जो खास बात है वो है सेंसिटिव टू फोटो पीरियड। सेंसिटिव मतलब ये संवेदनशील होता है किसके प्रति, फोटो पीरियड के प्रति, सस्बेनिया रोस्ट्राटा। ये सोडे प्लांट है, किस टाइप का प्लांट है, ये सोडे प्लांट है, ठीक है। सोडे प्लांट ये सेंसिटिव है किसके प्रति, फोटो पीरियड के प्रति, यानी कि संवेदनशील है। अब बात करते हैं कि एक म्यूटेंट है जो इसके अंदर ही डेवलप हुआ है, उस म्यूटेंट का नाम है TSR1। TSR1 एक म्यूटेंट है, इसकी क्या खास बातें हैं, इसकी खास बातें देखते हैं। एक तो ये इनसेंसिटिव है किसके प्रति, फोटो पीरियड। अभी हमने पढ़ा था कि सस्बेनिया रोस्ट्राटा क्या है,
सेंसिटिव है फोटो पीरियड के प्रति, लेकिन ये जो म्यूटेंट डेवलप हुआ है TSR1 ये क्या है, इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील है फोटो पीरियड के प्रति। इसके अलावा आपने कह सकते हैं टॉलरेंट टू सैलिनिटी, यानी कि जो जहाँ पर लवण ज़्यादा होता है जिस सॉइल में, लवणीय सॉइल के अंदर भी ये ग्रो कर जाता है, क्या ये म्यूटेंट जो है TSR1 टॉलरेंट टू सैलिनिटी, या फिर अपन कह सकते हैं टॉलरेंट टू वाटर लोगड, यानी वाटर लोगड कंडीशन जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा रहता है वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाता है, टॉलरेंट टू सैलिनिटी, टॉलरेंट टू वाटर लोगड। ठीक है, ये बातें हुई। इसके अलावा ग्रोथ जो होती है या फिर इसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, इसकी जो पहले की जो स्ट्रेन है, एक्सिस्टिंग स्ट्रेन है उससे इसका जो इस म्यूटेंट का TSR1 का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि ये जो म्यूटेंट है TSR1 ये किसने डेवलप किया था, ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना ट्रोम्बे के अंदर, वहाँ से ये म्यूटेंट TSR1 डेवलप हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, ट्रोम्बे मुंबई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे मुंबई। तो ठीक है फ्रेंड्स, सस्बेनिया रोस्ट्राटा की जो मेन बातें थी वो बताई, मेनली आपको याद रखना कि ये दोनों पर रूट और स्टेम दोनों पर नोड्यूल्स बना लेता है, ओरिजिन कहाँ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, सॉर्ट डे प्लांट है, सेंसिटिव है किसके प्रति, फोटो पीरियड के प्रति, लेकिन जो म्यूटेंट है TSR1 जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे मुंबई के द्वारा डेवलप किया गया, ये इनसेंसिटिव फोटो पीरियड के प्रति, टॉलरेंट कर जाता है सैलिनिटी और वाटर लॉगड कंडीशन को, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी है इसकी जो ग्रोथ होती है जो एक्सिस्टिंग स्ट्रेन है पहले वाले उससे ज़्यादा होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सस्बेनिया रोस्ट्राटा के बारे में जो मैंने आपको बताई, लेक्चर थोड़ा छोटा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सस्बेनिया रोस्ट्राटा के बारे में बताई, आई होप आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।